सो हे गाइज, आप लोग को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस तरीके के रील्स वीडियो आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग इस रील्स वीडियो के अंदर नेम एडिट करना चाहो या फिर आप लोग अपना फ़ोटो एडिट करना चाहो, बहुत ईजिली मैं कर सकते हैं। तो आइए, कैसे करना है एंड किस ऐप से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस वीडियो को एडिट करने के लिए कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो कैपकट एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप लोग वहां से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि इंडिया में कैपकट एप्लीकेशन बैन है, तो इसके लिए आपको एक सिक्योर VPN चाहे कोई भी VPN आपको डाउनलोड करना होगा, ताकि आपको VPN से कैपकट को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिक्योर VPN का भी लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको ओपन करने के बाद जस्ट इस पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिक्योर VPN कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, देन इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर रील्स वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो आप लोग उस रील्स वीडियो को डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको रील्स वीडियो डाउनलोड करने नहीं आता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चाहे तो आप लोग उस वीडियो को देख कर रील्स वीडियो डाउनलोड करना भी सीख सकते हैं। देन हम लोग उस रील्स वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारा वीडियो आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर एंड में जाएंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिल जाएगा। इस पार्ट पर क्लिक करके इस पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब आपको वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस वीडियो में से ऑडियो निकल के आपके सामने आ जाएगा। अब हमें इस वीडियो को कट करना है। सो वीडियो को कट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीडियो कहाँ से कट करना है। जहाँ भी ये जूम हो जाएगा ना, देख सकते हो आप यहाँ पे ये उमा वाला जो जूम हो जा रहा है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आ रहा है। तो नाम से पहले आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है इस तरीके से इसको, यहाँ पे कि नाम हमारा हट जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आ गया एंड हमारा नाम भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे आना है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 0.004 के थोड़ा सा बाद में आपको आना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.004 के थोड़ा सा बाद में आपको आना है, एंड इस वीडियो को कट करना है। कट करने के लिए वीडियो पे क्लिक करना है, स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में कट हो जाएगा। अब कट करने के बाद आपको इस पार्ट को डिलीट कर देना है, या फिर आप लोग इस पार्ट को यहाँ से दो पार्ट में कट कर लोगे। सो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से अपने अनुसार वीडियो पे क्लिक करोगे कट मार दोगे। फिर से यहाँ पे आएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे कट मार देंगे। अब हमारा ये जो पार्ट है ये तीन पार्ट हो चुका है, 1, 2, 3 आप लोग देख सकते हो। अब तीनों में चाहे तो आप लोग नाम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। सो आपको अगर नाम ऐड करना है, तो आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके का इमेज आएगा कहाँ से। तो इसके लिए आपको करना है कि आपको जस्ट गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पे आना है, फिर आपके जो भी नाम का फर्स्ट लेटर होगा, तो मेरे नाम का फर्स्ट लेटर जी है, तो मैं यहाँ पे जी लिखूँगा एंड यहाँ पर जी लेटर करके इस तरीके से लिख दूँगा, जी लेटर नेम। आप लोग देख सकते हो, तो इस तरीके से आपको कर देना है, जी लेटर नेम लिख के सर्च कर देना है। जैसा आप लोग सर्च करोगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड आपको बहुत सारा इमेज दिख जाएगा अपने नाम का। सो आप लोग इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर डाउनलोड करके उसमें ऐड कर सकते हो। एंड अगर इसमें फ़ोटो ऐड करना है, तो फ़ोटो के लिए आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर नाम भी ऐड करना है। जैसे मैं फ़ोटो ऐड करूँगा, उसी तरीके से आपको नाम का भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, उसको भी ऐड करना है। अब करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद अब आपको रिप्लेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको फ़ोटो वाले सेक्शन में आना है, एंड आपको जो भी फ़ोटो यहाँ पे ऐड करना है उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। आप लोग देख सकते हो कि हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, एंड अपने फ़ोटो को एडजस्टमेंट भी यहाँ से कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब हम लोग दूसरे फ़ोटो पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसको यहाँ पे नीचे स्लाइड करके आएंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो जो भी ऐड करना उस फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड फ़ोटो को एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। अब थर्ड में आएंगे, थर्ड में आने के बाद फिर से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, जो भी फ़ोटो ऐड करना उस फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब हमारा तीनों फ़ोटो ऐड हो चुका है, अब इसमें इफ़ेक्ट ऐड करना है। सो इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए फर्स्ट फ़ोटो पे आना है, फ़ोटो पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक कॉम्बो का ऑप्शन देखने को मिला होगा, आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप में इस तरीके का इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से अपने कैपकट को रिमूव कर दें एंड फिर से कैपकट को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक पेंडुलम वन करके ऑप्शन देखने को मिला होगा, सो आपको पेंडुलम वन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन अब आपको फिर से सेकेंड फ़ोटो पर आना है। सेकेंड फ़ोटो पर आने के बाद पेंडुलम टू का जो ऑप्शन देखने को मिला आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको थर्ड फोटो पे आना है। थर्ड फोटो पे आने के बाद पेंडुलम वन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको ओवरऑल करना है एंड टिक कर देना है। अब आपका जो वीडियो है यहाँ पे अच्छे तरीके से एडिट हो चुका होगा। आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो वीडियो हमने एडिट करके दिखाया ये बहुत कमाल का वीडियो यहाँ पर एडिटिंग हो गया है बहुत ईजी वे में। सो कैसा लगा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो लास्ट हमारा प्रोसेस है यहाँ पर करना क्या है, आपको म्यूट क्लिप ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इस वीडियो को गैलरी में लेके जाने के लिए ऊपर आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।